सर चकराना चक्कर आना बजात खुद कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये किसी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। अमूमन वर्टिगो वर्टिगो के शिकार मरीजों को चक्कर आने से अपने अर्ध गिर्द का माहौल घूमता हुआ महसूस होता है। कभी ये चक्कर मामूली नौयत के होते हैं और कभी ये शदीद भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के उमूर अंजाम देने से भी कासिर हो जाते हैं। इस कैफियत में चक्कर आने के साथ मतली भी हो सकती है और अक्सर मरीज सासती और सर के मुतवाजिन बैलेंस न होने की शिकायत भी करते हैं। हाल ही में की जाने वाली एक तहकीक के मुताबिक हर 10 में से एक फर्द वर्टिगो का शिकार होता है, जबकि इस मर्ज में मुबतला मरीजों में अक्सरियत खवातीन की होती है। ये वाजे नहीं कि उसकी वजह क्या है। हो सकता है कि उम्र के साथ हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से ख्वातीन में वर्टिगो की शरह बुलंद हो। वर्टिगो की 3 अक्साम हैं, लेकिन इनमें से 2 ज्यादा आम हैं। वर्टिगो की पहली किस्म पेरिफेरल, दूसरी किस्म सेंट्रल और तीसरी किस्म साइकोजेनिक है। पेरिफेरल वर्टिगो की वजह एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वर्टिगो कान के अंदरूनी हिस्से को, जो कि तवाज़ुन कायम करने को कंट्रोल करते हैं, मुतासिर करता है। इस कस्म से जो हिस्से मुतासिर होते हैं उन्हें वेस्टिबुलर लेबरिंथ या सिमसल क्यालर कैनल्स कहा जाता है। ये वायरस इस नर्व को भी मुतासिर करता है जो दिमागी खलियात के दरमियान और कान के अंदरूनी हिस्से में वाक़ होता है। ज़्यादातर केसेस में पेरिफेरल वर्टिगो की तकलीफ कई दिनों से लेकर हफ्तों रहती और फिर खुद ही ठीक भी हो जाती है। ताहम इलाज के जिम इन्फेक्शन और मतली आकर रोकने के लिए मखसूस अदविया तजवीज़ की जाती है, जबकि माहिन अमराज कान नाक गला से कान का मुआयना भी नागुजी है। सेंट्रल वर्टिगो दिमाग स्लैश असाब से मुतालिका किसी मसले के सबब होता है। अमूमी तौर पर यह मसला दिमाग के खलिया या दिमाग के पिछले हिस्से सेरिबेलम खून की नालियों की बीमारी, बाज अदविया, मिल्टापिल सर्विसेज या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल हो सकता है। मर्ज की शिद्दत को कम करने के लिए एंटीहिस्टामाइन और बेंजोडियाज़पाइन अदविया तजवीज़ की जाती हैं। अगरचे रेडियोलॉजी और दूसरी ज़रूरी तशखीस के बाद इलाज का मरहला आसान और मर्ज में कमी आ सकती है, लेकिन सबसे पहले मरीज के आराम का ख्याल रखा जाए और पानी की कमी ना होने दी जाए। साइकोजेनिक वर्टिगो में चक्कर आने, झुकने, झूलने और घूमने जैसी अलामत जाहिर होती हैं। ये किस्म भी दिमागी खले में मसले के बाइस होती है। इसकी वजह कान का कोई इन्फेक्शन या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर भी हो सकता है। मरीज कभी हफ्तों और कभी महीनों इन अलामत का शिकार रहता है। बाज़ केसेस में ये मर्ज खुद ब खुद ठीक हो जाता है और कभी मखसूस अदविया तजवीज़ की जाती है। वर्टिगो की चाहे जो भी किस्म हो, ज़्यादातर मरीज बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगज नहीं कि मुआलिज से रुजू ना किया जाए। वर्टिगो के शिकार मरीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। मरीज ज़्यादातर लेटे रहें और मुकम्मल तौर पर आराम करें ताकि चक्कर आने की वजह से किसी हादसे का शिकार ना हो। मरीजों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि जिस्म में पानी की कमी वाकई ना हो।